और आइए अब सीधे सुनेंगे मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को, जिनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। माननीय नड्डा जी को बहुत बधाई। पूरा देश भाजपा के विकास के मॉडल को पसंद कर रहा है। बाकी के सारे लोग बातें तो करते हैं, काम नहीं करते। सर, साथ में अगर हम बात करें मध्यप्रदेश के अंदर कोविड लगातार बढ़ रहा है, विधानसभा में भी कोविड की गाइडलाइन की पालन करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन कई जनप्रतिनिधि ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि वो मास्क नहीं लगा रहे, अपने अपने तर्क दे रहे हैं। राम भाई तो बोले कि मैं मर जाऊं मास्क लगाऊंगी। राम भाई जी मेरी बहन है, उनकी नेता बहन जी है, वो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य की चिंता हमारी चिंता है। जहां तक बाकी सदस्यों की बात है, सबसे आज आग्रह करेंगे कि वो कोविड के नियमों का पालन करें। राहुल गांधी लगातार दक्षिण के दौरे पर और बात कर रहे हैं, उत्तर भारत और उससे कंप्लीट कर रहे हैं। देखो, मूल रूप से गांधी परिवार जो है अभी वर्तमान में तथाकथित, इनका इतिहास बांटने का रहा है देश को। पहले देश के दो टुकड़े कराए, फिर जो देश के भाग्य थे कश्मीर जैसे 370 और वो लगा के उनको पृथक रखने की कोशिश की। अब उत्तर और दक्षिण एक गंगा जी में डुबकी लगाए, उत्तर में एक दक्षिण में। उनको बधाई पांडिचेरी की, उनकी यात्रा सफल रही। ये विभाजनकारी जो बात है ना, देखो यही सोच है दो पार्टियों का, वो टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन राशन, वन नेशन वन टैक्स, एक देश एक विधान, एक प्रधान एक संविधान, ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है, हमारे नेता माननीय मोदी जी का सोच है। और इनका सोच है उत्तर दक्षिण में और बांट दो, मेरे ख्याल से अच्छा नहीं। सर, लाल किला का जो आरोपी है लखा, वो अमरिंदर सिंह की गांव में एक रैली में दिखा, 1 लाख का इनाम है उसके ऊपर। स्वाभाविक रूप से आप जैसे जैसे इसमें प्याज की परतें उघाड़ेंगे, ऐसे कई चीजें निकल के आएंगी। चर्चा कभी भी हो, धर्म स्वातंत्र विधेयक आज की आवश्यकता थी, ये सिद्ध हुआ है, प्रमाणिक हुआ है। 1 महीने के अंदर 24 घटनाएं आना, मतलब मैं तो मानता हूं हमें ही विलंब हो गया। कितनी हमारी बेटियों का जीवन खराब हुआ होगा, कितने लोग निकल के नहीं आए होंगे जो अभी भी मौन होंगे, इसलिए आवश्यकता है, इसको जल्दी करेंगे। सर, कोविड का दौर चल रहा है, आर्थिक स्थिति मध्यप्रदेश की देखें तो बदहाल है, लगातार सरकार कर्जे भी ले रही है, लेकिन इस बीच में 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा जो है मंत्रियों के बंगले करने में। कोविड एक महामारी है, प्रदेश का विषय नहीं है, वो विश्व का विषय है। और आज मैं अमेरिका की रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो तो बहुत ही भयावह थी। उसके लिए अभी हमने प्रदेश के जो महाराष्ट्र से लगे जिले हैं, माय थर्मल स्क्रीनिंग चेकिंग पॉइंट लगाए हुए हैं, लेकिन कहीं ना तो बैरियर लगा रहे हैं, ना कहीं कर्फ्यू लगा रहे हैं नाइट का। और इसलिए हम धीरे धीरे ठीक करेंगे उसको, और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी। चलो।